जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। हम लोग किचन की दुनिया में बढ़ते हैं, क्वीन की जाने पर जानते हैं आज क्या बना रही है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या कहना। वालेकुम अस्सलाम, अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच शेफ नौरीन, आज मेरे बाल वगैरह सब अच्छे लग रहे हैं, सब परफेक्ट है एज यूजुअल। देखिए, मैंने इंट्रो में जिक्र किया था हमारी शेफ नौरीन की तबीयत आज थोड़ी सी नासाज है। आप सब दुआ कीजिएगा कि अगर नजरें बंद है तो हम चाहेंगे कि उनकी नजरें बंद भी हटे। नजर उतारूंगी मैं आपकी जाते जाते, आज सेट से जाते जाते आपकी नजर उतारनी पड़ेगी, क्योंकि शेफ नौरीन ऐसी भुजी भुजी ना हमें हाँ। अच्छी नहीं लगती। हमारी शेफ नौरीन वही चहकती हुई, खिलखिलाती हुई, बातें करती हुई हमें पसंद है। और आज जो शेफ नौरीन बना रही हैं रेसिपी, जो हमारे सेहत पे बनने जा रही है, वो क्या है उसके बारे में डिटेल में शेफ नौरीन बताएंगी। जी शेफ नौरीन, आजकल मैंगो का सीजन आ गया है, आम आ गए, सबका कहते हैं ना फलों का बादशाह जी, तो वो आम है। बिल्कुल, तो मैंने सोचा चले आज हम दो किस्म की चीजें बनाते हैं। एक हम स्मूदी बना रहे हैं मैंगो के साथ, और एक हम मैंगो का मीठा बना रहे हैं योगर्ट के साथ, दही के साथ। क्योंकि हम लोग अक्सर कहते हैं फ्रूट योगर्ट्स खाते हैं, वो बहुत महंगे मिलते हैं बाजार में, तो मैंने कहा आज आपको मैं एक मैंगो योगर्ट सिखा दूं बनाना और एक मैंगो स्मूदी बना दूं। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। एक तरह की रेसिपी से तो दिल नहीं भरता साहब इनका। और ये जो है वो हमें करके दिखाएंगे, प्रेजेंटेशन का भी जो खूबसूरत नजारा है वो भी आप देख सकते हैं। तो क्या हम स्टार्ट करें शेफ? बिल्कुल, हम पहले स्मूदी बना लेते हैं। ठीक है, हम स्मूदी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बर्फ। ठीक है, ठीक है, ये भी क्योंकि समर्स है तो बड़ा मजा आता है ठंडे ठंडे ड्रिंक्स पीने का। याया भाई अगर आप देख रहे हैं तो जरूर बनवाइएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और भाभी को खुद बना के पिलाइएगा, बल्कि क्योंकि हमारी भाभी को गर्मी ज्यादा लगती है। उन्होंने बताया था कि मेरी बेगम जो है वो चिड़चिड़ी होती है। अगर भाभी आप देख रहे हैं तो यार चिड़चिड़ी ना हुआ करें, सो के हस्बैंड पे अक्सर बीवियों को गुस्सा आता है, आता है, हस्बैंड कहीं ना कहीं कोताहियां बरत देते हैं। हमारे जो हनी भाई हैं वो भी सर हिला रहे हैं, क्योंकि वो भी एक हस्बैंड है। और हमारी जो दूसरी भाभी देख रही होंगी, इनकी मिसेस, वो भी सोच रही होंगी क्या कशा तुम औरतों के लिए कितनी आवाज बुलंद करती हो, लेकिन मुझे अपने भाइयों का भी ख्याल होता है, ऐसी बात नहीं है। हस्बैंड एंड वाइफ एक खूबसूरत रिश्ता है, आप लोग यकीन करें कि अगर आप अच्छे से रहेंगे, लाइवली माहौल में रहेंगे, बातें करेंगे, हैप्पी मूड रहेगा, तो घर में आपके बरकतें आएंगी, रहमतें आएंगी। अल्लाह पाक जो है वो खुद ही बरकतें जो है वो नाजिल फरमा देते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, क्या कहते हैं, मैंने इसे बर्फ डाली, मैंने इसे मैंगो डाली, थोड़ा सा इसको क्या किया करें, बदर बर्फ के साथ मिक्स कर दिया करें। ठीक है, ठीक है, ये हमने ये किया, ठीक है। इसके बाद ये है, ये जेली है रॉ, ठीक है, मैंगो ले लें या पाइनएप्पल ले लें, कोई भी फ्लेवर आपके पास है, लेकिन मैंने मैंगो लिया, तो इसमें ये जाएगा 2 टीस्पून। वाओ, ठीक है। अच्छा, इसका फ्लेवर क्या आता है, मतलब कि इसका बहुत डिफरेंट सा फ्लेवर आता है, मजे का आता है, खट्टा मीठा। ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बात हम डालेंगे, इसमें ये चीनी, चीनी ये 1 कप जाएगी पूरी, डन, ठीक है, सही है। इसके बाद इसमें जाएगा ये मिल्क, वाओ, इसमें ये दूध जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। और इसके साथ साथ जाएगा कहकशा इसमें ये योगर्ट। ओके, हाँ, इसमें ये दही जाएगा, क्योंकि स्मूदी बन रही है तो दही के बगैर तो आपको पता है कंप्लीट नहीं होती, नहीं होती। दही एंड दूध का कॉम्बिनेशन विद मैंगो, ओ माय गॉड, ये तो डिलीशियस होने वाली है। स्मूदी आज हमारे शो में बन रही है। नाजिन, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी कोई फरमाइश है तो आप लोग हमें कॉल करें, नंबर स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, कॉल करके बताएं, हम इंशाल्लाह पूरी कर देते हैं फरमाइश। बिल्कुल, चले मैं पहले हल्के से करूंगी, पहले हल्का हल्का करती हूँ ताकि वो गिरने का थोड़ा खर्चा। कलर कितना खूबसूरत है, मैंगो वैसे बहुत मजे का है, लेकिन मीठा थोड़ा सा कम है। ठीक है, मतलब 2 डाल दूं ये? जी जी जी, ठीक है, ये 2 टेबलस्पून हमने और डाले इसमें चीनी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप लोग शहद भी डाल सकते हैं। ओके, ठीक है, चले ये हमारी हो गई स्मूदी। ये स्मूदी तैयार हो गई है। हमारे घर में जो बनते हैं मिल्क शेक से, हमारी अम्मा क्या करती है, आम पकड़े और उसके अंदर दूध डाला और चीनी डाली और तैयार। लेकिन अगर आप इस तरह की स्मूदी तैयार करेंगे तो बच्चे भी हैरान हो जाएंगे कि वाओ, दही भी ऐड है, दूध भी ऐड है, मैंगो है, और हेल्दी है बिल्कुल, और चीनी है,
क्या कमाल की स्मूदी है, आप लोग देख सकते हैं। ओ माय गॉड, क्या नजारा है। स्क्रीन पर आप लोगों की नियत आ रही होगी नाजरीन, लेकिन नियत ना लगाए यार, अपने घर में बनाए और क्या। वेरी नाइस। ये हमारी स्मूदी, थोड़ा सा मैं इसको डेकोर कर दूं। जी बिल्कुल, प्रेजेंटेशन तो बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। जब से हम 6 महीने से इस शो में आए हैं, दाखिल हुए हैं, जब से हमने देखा कि प्रेजेंटेशन का जो अमल है वो शेफ नौरीन से बेहतरीन और कोई नहीं कर सकता। ये हमने थोड़े से ऊपर मैंगो के चंक्स डाल दिए। वाओ, ठीक है क्या कशा? बिल्कुल, जब आप स्मूदी पी रहे होंगे तो ये आएंगे चंक्स बीच में, तो आपको ये मजा दो बाला हो जाएगा। तीन बाला भी हो सकता है, चार बाला भी हो सकता है। अच्छा, ये हमारी स्मूदी बन गई, अब हम आ जाते हैं अपने मीठे की तरफ। ओके ठीक है, चलें। अच्छा हाँ, सॉरी, एक और चीज में रह गई थी। जी जी जी, कोई मसला नहीं है। पुदीना ग्रीन का टच दे। ठीक है ठीक है, आपने अक्सर रेस्टोरेंट्स में देखा होगा, सब कहते हैं ये क्यों करते हैं, क्योंकि ग्रीन एंड इनके कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे लगते हैं। खूबसूरती के लिए, खूबसूरती के लिए, खूबसूरती बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपके दिलों के लिए भी और हमारी डिशेस के लिए भी। एग्जैक्टली, चलिए अब हम इस पे आते हैं। अच्छा, हमने सबसे पहले इसमें डालना है ये दही। ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसमें ये दही डालेंगे। ठीक है, क्या कशा, थोड़ा सा हम जरा ज्यादा दे लेंगे। वेरी गुड, ठीक है, हमने ये दही लिया। और जो ये हमने बचाया है वो प्रेजेंटेशन के लिए बचाया है, थोड़ा सा दही। नहीं, थोड़ा बोल छोटा है। ओके, प्रेजेंटेशन हम बाद में ही बना लेंगे, हम थोड़ा बचा के रखते हैं हमारे और लोगों के लिए। हाँ भाई, देखे ये चीजें ऐसी होती हैं कि मुझे तो फिक्र लाहक हो जाती है कि भाई मैंने तो बहुत सारा खाना है, क्योंकि मेरी तो कमजोरी है मीठा ना, मतलब मैं क्या करूँ। अच्छा, क्या कहते हैं, इसमें जाएगी चीनी। ठीक है ठीक है, ये जाएगी 3 टेबल स्पून 3 to 4 टेबल स्पून। ओके ठीक है। अच्छा, यही चीज इसमें जाएगी, जेली। डन, ठीक है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर, हाँ ना, कितना प्यारा लग रहा है ये। बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा, इसमें जाएगा ये दूध। ओके ठीक है। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स जो है वो कहीं कहीं सेम ही है। हाँ, तकरीबन सेम है, क्योंकि हम देखे बाजारों से मंगाते हैं, खाते हैं, तो हम लोग घर में अगर बनाएंगे तो जरा और जरा अच्छा बनेगा। जी जी, माशाल्लाह। इसको थोड़ा सा इसको यकजान करना है, मिक्स कर देना है, कलर कितना खूबसूरत आ रहा है, बहुत जबरदस्त है। और इसके साथ साथ हम इसमें डाल देंगे फ्रूट्स। Okay. जो मैंने बनाना और मैंगो काट के रखे थे। जी. अच्छा, से बनाना, मैंगो, अंगूर, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें जा सकती। अच्छा, बाकी क्या हम इसमें क्रीम ऐड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं आप, एक पैकेट क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। ठीक, लेकिन है। मैं जरा फ्रूट योगर्ट बना रही हूँ, तो फिर हम इसमें दही और दूध ये इसका इस्तेमाल करेंगे। वाओ, ये मेरी जाती ख्वाहिशात होती है, जो की मैं सोचती हूँ की चलो यार कभी मैं भी ट्राई कर ही लूंगी। चलिए अब इसमें हम डालेंगे फ्रूट्स। वाओ शेफ नौरीन, जबरदस्त। ठीक है, ये इसमें फ्रूट्स चलेगा, ब्यूटीफुल। ये बनाना और ये, इसका तो कॉम्बो बहुत मजे का ही लगता है वैसे भी, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह। नाजरीन, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप कॉल करें और बताएं आपकी फरमाइश क्या है, हम बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, बल्कि हम कंप्लीट करते हैं आपकी फरमाइश, तो कॉल करें, नंबर्स की स्क्रीन पे आ रहे हैं, किस बात की देरी है। और अगर आप लोग कॉल नहीं कर सकते और कोई चीज़ मिस कर देते हैं प्रोग्राम में से, तो यूट्यूब पर डेली आप लोगों की मोहब्बत में हम लोग अपलोड करते हैं शो का शो डेली, तो आप लोग वहाँ से भी जाके शो देख सकते हैं। अच्छा, जब भी मिक्स करें हमेशा स्पैचुला से करें, क्योंकि फिर फ्रूट मैश ही नहीं होते। जी, अक्सर फ्रूट टूट जाते हैं चमचों से मिक्स करके, हमेशा स्पैचुला लें, क्योंकि रबरी होता है ना, तो आपके फ्रूट्स बिल्कुल एज इट इज रहते हैं। एज इट इज रहते हैं। वाओ, कितना ब्यूटीफुल, मतलब पिस्ता और वो अलग ही येलोइश सा कलर बना है, ये डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते इस कलर को जो ये बना है। वाह, क्या हसीन नजारा है। हम इसको सर्व करते हैं, क्या कशा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, उम्दा, माशाल्लाह, उम्दे से भी उम्दा, आप कहते हैं सुपर से भी ऊपर। अच्छा जी, जब तक हमारी शेफ सर्व करी, हम जाते हैं ब्रेक पे, तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह हमारे साथ, मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो, आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। शेफ नौरीन प्रेजेंटेशन के अमल में मसरूफ है, और आप लोग देख सकते हैं प्रेजेंटेशन भी हो चुकी है, और कितनी शानदार, जानदार और कमाल प्रेजेंटेशन की है हमारी शेफ ने, क्योंकि ये है हमारी क्वीन शेफ नौरीन। जबरदस्त रेसिपी आपने बनाई। थैंक यू, आपने चखा, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, और बस मैं यही सोच रही हूँ कि हम जब नेक्स्ट ब्रेक पे जाएंगे तो मैं दोनों चीजें जो है वो खा लूंगी, और ये छोटे छोटे ग्लासेस से मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन इट्स ओके, मतलब जग मंगा लें। बिल्कुल अदील भाई, मेरे लिए जग मंगा लें, मुझे जग में ही खाना है।
शेफ नौरीन अदील भाई जो है वो हमें बताते रहते हैं कि आप ये कर लें वो कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदील भाई। शेफ नौरीन आपका बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी जबरदस्त रेसिपीज बनाई हैं, स्मूदी बनाई है मैंगो स्मूदी, क्योंकि मैंगो का सीजन है जनाब, और इसके साथ साथ योगर्ट विद फ्रूट्स बनाए जो कि बाहर हमें बहुत महंगे मिलते हैं। हम अपने घर में जब ये ट्राई करेंगे रेसिपीज तो हमारा दिल जो है वो बाग बाग हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ आपका शुक्रिया अगेन। इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। न्यू रेसिपी के साथ मेरा बहुत दिल है कि कुछ पास्ता वगैरह कुछ ऐसी चीज हो जाए। बहुत दिल है मेरा। हम अभी फरमाइशी भी करें ना तो ये मेरी फरमाइश है। ठीक है ओके। चले नाज़रीन तो हम बढ़ते हैं सरवत आपा की जानिब। शेफ का मैंने शुक्रिया अदा कर दिया, हमारी बहुत प्यारी सहेली है, लेकिन उससे पहले लेंगे ब्रेक। तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।